हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 जीके क्वेश्चन देंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरुमुखी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी गुरुमुखी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोडी या ऑप्शन डी नागरी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शन ए सिंधु काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल या ऑप्शन डी मौर्य काल। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सिंधु काल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 21। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 18। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 89। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 89। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी तमिल। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए तेलुगु। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की भाषा क्या है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड या ऑप्शन डी तेलुगु। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन है तमिल। तो ये थे आज के हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।